और भाई से जाने भाई का राज कि कैसे आप एकदम ट्रेंडिंग पे और कैसे एकदम वायरल हो गए। 282 किलोमीटर का डिस्टेंस है बस्ती आने में, और अभी देखते हैं। छह सात घंटे का सफर है, कहने का मतलब ये ज्यादा लॉन्ग नहीं है। लेकिन वेलकम बैक गाइस, आज के इस ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइस भैया मेरे बताएंगे हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं आज। भाई हम लोग मिलने जा रहे हैं मुकेश साहनी जी से, जो कि यूट्यूब पे बहुत ही तेजी से ट्रेंड कर रहे हैं। तो फिर रोहित भाई हम लोग आप बताएं कि अभी कितना टाइम हो रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं हूँ इस समय कानपुर सेंटर पे, जैसा कि आप लोगों ने टाइटल थंबनेल देखा है। और आपको बताना चाहते हैं कि देख सकते हैं कि अभी रात का बज चुका है, आई थिंक बज चुका है 2 बजने वाला है। तो 2 बजने वाला है, तो हम लोग अभी कन्नौज से यहाँ पर आए हुए हैं। जो मेरे भाई बंधु यहाँ से मुकेश साहनी भाई के पास जाना चाहते हैं, तो जो इस साइड के नियर बाई के रहने वाले हैं, तो वो कानपुर सेंटर आए सबसे पहले। तो फिर यहाँ से आपको ढेर सारी ट्रेनें आपको यहाँ से मिल जाएंगी वहाँ पर जाने के लिए। और कहाँ जाना है आपको हम ये भी बताएंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। मुझे 2 साल हो चुके यूट्यूब पे काम करते करते, मैंने इतना तगड़ा वायरल किसी को नहीं देखा है 2 साल के अंदर। भाई ऐसे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं जैसे रॉकेट की तरह, जैसे रॉकेट नहीं उड़ता है, बिल्कुल रॉकेट की तरह सब्सक्राइबर भाई के बढ़ रहे हैं। और अपने भाई से भी थोड़ा सा जानेंगे कि भाई आप क्या कहते हैं मुकेश साहनी के बारे में। भाई यानी कि घंटों के हिसाब से सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, जैसे कि 1 घंटे में 5,000 सब्सक्राइबर। इतनी तेजी से आज तक हमने किसी के सब्सक्राइबर बढ़ते नहीं थे। इसी खुशी में, इसी जज्बा को लेके देखने के लिए हम जा रहे हैं मुकेश साहनी के पास। तो गाइस आपने सुना कि हम लोगों ने एकदम अचानक प्लान बनाया, वैसे 15-20 दिन से थोड़ी देर बातचीत चल रही थी, लेकिन फिर अचानक हम लोगों का प्लान बना कि चलो भाई चलते हैं मुकेश साहनी से मिलके आते हैं। क्योंकि भाई इससे पहले आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति इतनी तगड़ा वायरल नहीं हुआ कभी भी। नहीं कर पाएंगे हम बताएंगे कि जो कि मुकेश साहनी भाई के पास मिलने का जाना है तो आपको कैसे जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप कानपुर सेंटर लाएं, यहीं से आपको ट्रेन मिल जाएगी और आपको जाना है बस्ती। आप बस्ती की टिकट यहाँ से लेंगे और वहाँ उतरे जाके, और वहाँ से अभी तो वहाँ हालांकि हम पहुँचे नहीं हैं, बट वहाँ पर जैसे पहुँचेंगे तो वहाँ का भी हम बताएंगे और दिखाएंगे कि कैसे आपको जाना है सारा कुछ। लेकिन आपको इसी ब्लॉग में सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। तो आपसे हमारा यही निवेदन है कि इस वीडियो को आप अंत तक देखें तो आपको जो जाने का रास्ता है इसी तरीके समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम अभी कानपुर सेंट्रल पे स्टेशन पे, और अभी तो हम ब्रिज पे हैं, उसके बाद हम चलते हैं कि कौन सी ट्रेन है और कितने बजे आने वाली है। हालांकि हम आपको बताना चाहते हैं कि ट्रेन मेरी है 2 बजे, जो कि अवध एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है, जो कि दिल्ली से आ रही है और जो कि कानपुर बाया बस्ती जाएगी। तो उसी से हम जाएंगे और आपको अपनी जर्नी दिखाएंगे हम। तो भैया देख सकते हैं कि कैसे जर्नी कर रहे हैं हम लोग, और काफी एकदम खचाखच ट्रेन भरी हुई है और काफी हालत टाइट हो रही है। देख सकते हैं अमन भाई मेरे यहाँ पर बैठे हुए, यहाँ पर ये साइड बहुत ही खचाखच, जर्नल के तो बहुत ही बुरे हाल है सच में। काफी दिनों के बाद ऐसी जर्नी कर रहा हूँ, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो लाइफ चलता रहता है। तो भाई मुकेश साहनी आपसे मिलने के लिए मुझे इतनी तकलीफ उठानी पड़ी बहुत ज्यादा, जैसे कि अमन भाई क्या कह रहे हैं आप, इतनी ज्यादा हालत टाइट हो चुकी बहुत ज्यादा। कोई रात का सफर एकदम खड़े खड़े से, पहले ऐसा सफर नहीं किया हमने, और कोई नहीं मिलना है आपसे तो फिर सफर तो तय करना पड़ेगा मुझे ऐसे। क्योंकि आप देख सकते कितनी भीड़ है, बहुत ही ज्यादा। आपको खैर थोड़ी सी भीड़ कम हो चुकी थोड़ी सी, बट अभी बहुत ज्यादा भीड़ है, अभी तो बहुत ही ज्यादा। पूरी रात खड़े खड़े और जग के आ रहा हूँ आपके पास मिलने के लिए। इधर टैलेंट है और ऐसे लोगों को पैसे देने चाहिए, तो भाई मैंने तो पैसे दिए। वैदे वैदे सही सलामत है, नौटंकी करेंगे लेके चले जाएंगे तस्वीर। एक तो सुबह आया वो गाली गलौज दे के ले गया 20 रुपए सभी से, ये गलत है। ये देखो अपना टैलेंट दिखा रहे हैं, कुछ तो मनोरंजन कर रहे हैं।
सो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं बस्ती में और देख सकते हैं पीछे की बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पर ये रेलवे स्टेशन बस्ती काफ़ी बड़ा स्टेशन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये काफ़ी बड़ा स्टेशन है। और जब आप कानपुर सेंटर से अब बैठेंगे तो ये जो डिस्टेंस है काफ़ी लंबा डिस्टेंस है, अगर किलोमीटर की बात की जाए तो ये किलोमीटर पड़ता है 282 किलोमीटर का डिस्टेंस है बस्ती आने में। और अभी देखते हैं यहाँ से हमें कितना समय लगेगा जो कि मुकेश साहनी के घर तक पहुँचने में। और हम बताना चाहते हैं कि जो ये डिस्टेंस है कम से कम 8-9 घंटे लग गया मुझे, हालांकि ट्रेन ने थोड़ा सा लेट करवाया, थोड़ी सी स्लो आई तो कहीं ना कहीं इतना समय लग गया मुझे, बट 6-7 घंटे का सफ़र है, कहने का मतलब ये ज़्यादा लॉन्ग नहीं है। लेकिन फिर भी आप घर से निकलेंगे तो समझ लो कि थोड़ी सी दिक्कत परेशानी आपको आएगी, सीधी सी बात है। और आपको यहाँ पर ऑटो वगैरह मिल जाएंगे, आपको थोड़ा सा ईजी रहेगा यहाँ से जाने के लिए। और इस साइड ये मार्केट है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये गेट यहाँ पर है ये, और ये दिखाते हैं आपको हम, और इस साइड पूरा ये इस साइड का ये व्यू है। तो हे गाइस हम आ चुके हैं मुकेश साहनी जी के घर पे, आप जैसा कि पीछे देख रहे हैं साइड वो भैया जी का घर है यहाँ पर ये, और आइए आपको उनसे मिलाते हैं। हे गाइस आपको मिलाते हैं मुकेश भाई से। तो भाई नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं तो भाई बहुत बढ़िया हूँ, और आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया, बस आप सबकी कृपा है कि आज एकदम मस्त चकाचक। और बताइए भैया अपने बारे में कुछ। तो मुकेश जी मैं काफ़ी दूर से आपसे मिलने के लिए आया हूँ। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। शुक्रिया के पात्र खैर तो हम नहीं है, क्योंकि आपका वीडियो हमने देखा तो हम पे एकदम रहा नहीं गया, मैंने सोचा भाई से मिलें और भाई से जाने भाई का राज कि कैसे आप एकदम ट्रेंडिंग पे और कैसे एकदम वायरल हो गए। जी बिल्कुल, सब कुछ बताएंगे, जितना सब कुछ पूछोगे सब कुछ मैं बताऊंगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं की बात। तो भाई आप भाई किस जगह से बिलोंग करते हैं, सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन है। यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में एक देहाती इलाके से, गांव टाइप के इलाके से, क्षेत्र से बिलोंग करते हैं हम। तो आपके गाँव का नाम क्या है? हमारे गाँव का नाम लोगों को पता है, बहुत जन जानते हैं गाँव का नाम, देखिए बार बार बताना सही नहीं रहता क्योंकि देखिए बिल्कुल हम समझ सकते हैं, समझ सकते हैं, हाँ वो उसके खिलाफ भी है। तो गाइस अगर आपको भाई से मिलना है तो आप ये वीडियो वॉच करें, देखें, आपको काफी थोड़ा सा इजी रहेगा आने में। तो अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, और पहली बार अगर मेरा वीडियो है भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भाई मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।